तुम सबको गलतफहमी हो रही है, ये तो फूलियां गिरे हुए थे तो मैं उठा के वापस कर रहा था। ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा ना मैंने? अरे यार, डीजे की गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ? अरे बाबा, क्योंकि ये सच है। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? हाँ? बताओ, तुम्हारे नजदीक आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे बकवास जोक्स पर हंसूं, या हमेशा मेकअप करके घूमती रहूं, या छोटी छोटी ड्रेसेस पहनकर तुम्हें इंप्रेस करूं? बताओ, टेल मी, अरे व्हाट शुड आई डू? निकी, तुम्हें अचानक हो क्या गया? आई लव यू विक्की, दैट्स माय प्रॉब्लम। और तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। निकी, निकी तुम रो रही हो? निकी तुम रो रही हो क्या? निकी, अरे यार ये तो रो रही है। निकी, निकी रोना बंद कर दो प्लीज। क्या क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? I really love you, Vicky. अच्छा? Do you love me, Vicky? Love मतलब वो जो दो कपल्स के बीच में होता है, उनका रिश्ता गहरा होते जाता है और आखिर में वो शादी कर लेते हैं, उस टाइप का लव? हाँ। एक मिनट, हाँ, मुझे इस तरह का प्यार करना नहीं आता निकी। मेरी सबसे लंबी रिलेशनशिप 1 महीने चली थी। तो हम 2 महीने ट्राई करते हैं। मतलब? मैं इंडिया में सिर्फ 2 महीनों के लिए ही हूँ विक्की, तो क्यों ना हम दोनों कोशिश करके देखें? निकी, अगर फैमिली को पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार ट्राई तो करो। हम दोनों अपनी अपनी फैमिली को तभी बताएंगे जब हम दोनों राजी होंगे, वरना एक दूसरे को भूल जाएंगे। प्लीज विक्की, मेरे लिए लेट्स ट्राई। ठीक है, ठीक है। तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? यस। तो किस कर सकता हूँ ना? सॉरी, आई एम सो सॉरी विक्की। मैं जानती हूँ तुम्हारा हर रिलेशन किस से ही शुरू हुआ होगा, पर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती, तुम समझ रहे हो ना? ओके, तो हम लोग यहाँ से चलें। हाथ रख सकते हो। विक्की, गुड मॉर्निंग। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह, ये तो साइलेंट पे है। तुम्हारा रूम कितना गंदा है। ये यहाँ क्या कर रही है? कितनी गंदी गंदी बुक्स रखी हैं। जी जी। तुम सीधे यहाँ कैसे आ गई? क्यों, मैं नहीं आ सकती? अरे, मतलब ये मेरा कमरा है। हाँ तो क्या हुआ? अगर किसी ने देख लिया तो? ओह सॉरी, मैं वापस चली जाऊँ? आज सुबह तुम्हारे लिए जल्दी उठी, सबसे छुपकर तुम्हारे रूम में आई, और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ये है तुम्हारा प्यार? ऐसे प्यार नहीं किया जाता विक्की। चाची। आंटी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। हाय आंटी, एक्चुअली उमा ने ये बुक्स मंगवाई थी। बाय आंटी। बाय बेटा। क्या सोच रहे हो विक्की? कुछ नहीं, बस किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें शर्म आ रही है? ठीक है विक्की, तो मैं यहाँ से चली ही जाती। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था विक्की। तुम कैसे आ जाए, तुम्हें खुद भी नहीं पता। अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ ना, तब सही रहेगा। हाँ, कुछ नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या? हमारे रिलेशनशिप को 1 वीक हो गया है। ओ। अब मुझे खिलाओ। ये लो, तुम लोग खाओ।
और कितना टाइम लगेगा? आओ ना मेरे साथ। अरे किधर? चलो ना। कहाँ? मुझे ये वॉच लेनी है। अरे ये तो तुम खुद भी खरीद सकती थी निकी, इसके लिए हमें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ कि मैं ये खरीद सकती हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया तो खुशी होगी। आने को क्यों कहा? आओ ना। किसी ने देख लिया तो? घर पे कोई नहीं है। अच्छा ये बात है। ओए। So, ये है मेरी छोटी सी दुनिया। कैसी लगी? Cool. Happy anniversary. केक के सिवा भी कभी कुछ मिलेगा? तुम एक ही ट्रैक पर क्यों बात करते हो? मैं किस करूंगी, लेकिन जब तुम चाहते हो तब नहीं, जब मेरा दिल करेगा तब। ठीक है। ये मेरी फेवरेट डॉल है, सिंड्रेला, तुम्हारे लिए। ये मुझे क्यों दे रही हो? मैं चाहती हूँ मेरी खास चीज उस इंसान के पास हो जो मेरे लिए खास है, और जब भी तुम इसे देखोगे उस वक्त तुम्हें मेरी याद आएगी। क्या हो गया है तुम्हें विक्की? आजकल तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिताते। पर हम तो रोज ही मिलते हैं ना। मेरे लिए उतना काफी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना है। इसे संभाल कर रखना। सनी लियोनी मिया खलीफा, वाह क्या कलेक्शन है, इसे देखकर तो इंटरनेट भी शर्मा जाए। ए, क्या कर रहा है ये सब? अरे यार तू तो लवर बॉय बनकर डॉल्स के साथ खेल रहा है, तो तेरा ये कलेक्शन मैं अपने रूम में ले जाता हूँ। जो करना है कर। क्या हुआ यार, अपना तो पूरा वीकेंड सेट हो गया है। ए, देख पका मत। ए, इनमें से लेटेस्ट कौन सी है? बोला ना पका मत। अब तो तेरी खैर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप गिर के टूट गया। मतलब सिंड्रेला ने सुसाइड कर लिया ना? अबे सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसे नहीं मानेगा तो निकी कैसे मानेगी? विक्की मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। ए, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत। विक्की। निकी हाथ से फिसल गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। I'm sorry. विक्की, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ ना? मतलब? क्या मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ? एक छोटी सी डॉल ही तो टूटी है। बात सिर्फ डॉल की नहीं है विक्की, सब कुछ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ भी नहीं निकलती। चलो वो सब भी ठीक है, आज तक तुम मुझे एक बार भी डेट पर लेकर नहीं गए। कल से मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा, रोज तुम्हारी तारीफें भी करूंगा, और कल डेट पर भी चलते हैं। मैंने कहा इसलिए मत करो विक्की, तुम्हें खुद से फील होगा तब करना। वैसे भी मैं 2 दिन में लंदन जा रही हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। वैसे भी अब 2 महीने पूरे हो गए। तुम्हारा भाई? हाँ, कहाँ? वहाँ पर। अरे छोटू सर इधर आओ। चलिए छोटा। आज तो बाल बाल बचे, तुम्हारा भाई देख लेता तो? देख लेता तो क्या, हमारी शादी करवा देते, और शादी तो मुझे भी करनी है। अरे नहीं, कितना खिलाओगी? नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, इन्हें इसको लीजिए ना। अरे लीजिए। आपको रोटी? विक्की चिकन लोगे? नहीं। मटन? नहीं नहीं चाहिए। फिश? मुझे एलर्जी है। कुछ भी नहीं खाता। किसी ने नहीं देखा चिलमार? साहब हमारी निकी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, मैं उसकी शादी करवा दूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। सही कह रहे हैं आप।
जल्दी ढूंढिए पापा, एक बार इसकी शादी हो जाए तो मैं इसके रूम में अपना वार्डरोब बनाऊंगी। हाँ, अगर ऐसा किया ना तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं भी आपके रूम में अपना वार्डरोब बनवा लूंगी। वो कैसे? ऑब्वियसली, मैं आपके घर में रहने। ओवर एक्टिंग मत कर, सब लोग देख रहे हैं। ए विकी, हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ कहना है जीजू? निकी 2 दिन में वापस जा रही है, घर कितना सोना हो जाएगा। विकी मिस, एक बात बताऊं विकी, निकी के पैदा होने के बाद हमारी किस्मत बदल गई, शी इज लकी चार्म। इसलिए वो हमारी पूरी फैमिली की जान है। वो मुझे बहुत प्यारी है, तुम्हारी बहन से भी ज्यादा। उसके लिए अपने दिल में जगह बनाओ, कार की डिक्की में नहीं। जीजू उस दिन रिलैक्स, मैं सब जानता हूं। अच्छे लगते तुम लोग साथ में। तूने बताया नहीं, निकी का अभी फोन आया था, उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान गए। क्या हुआ? अबे पागल है क्या, क्या बात कर रहा है तू? अगर अब भी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। सिर्फ एक नहीं है यार, जब उसके साथ होता हूं ना तो लगता है कि मैं प्लास्टिक बैग में बंद हूं, घुटन होती है मुझे। वो चाहती है सब कुछ उसके हिसाब से हो, हम कौन सी फिल्म देखेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, अरे खाना क्या खाऊंगा, वो भी यहां तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी। उसने मेरी नींद भी हराम कर रखी है। जब देखो मैसेज मैसेज मैसेज, दिल करता है ये फोन कहीं फेंक दूं और खुद यहां से गायब हो जाऊं। यार मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है, मैं क्या कोई डॉबरमैन हूं? विकी शांत हो जा प्लीज। हर हफ्ते केक लेकर आती है हैप्पी एनिवर्सरी लिखकर। अरे कोई भी नॉर्मल इंसान हर हफ्ते एनिवर्सरी मनाता है क्या? वो चाहती है मैं नजरें झुका के बस उसी को देखता रहूं। एक दिन पूछती है मैं उसके साथ खुश हूं या नहीं, और अगले दिन ही शादी की बात कर देती है। अरे यार जब इतनी प्रॉब्लम्स थी तो तूने उसके मम्मी पापा को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? मैंने किया? मैंने क्या उन्हें इन्वॉल्व? अरे मैंने तो उसे बोला था कि घर वालों को पता मत लगने देना, लेकिन दूसरे दिन सीधा मेरे कमरे में आ गई, घर वालों के सामने चिपकती रहती है, हिंट देती है और फिर शर्मा कर वहां से चली जाती है। किसी को शक नहीं होगा क्या? अरे फिर भी एक बार सोच ले यार, निकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। अरे ये गर्लफ्रेंड बनकर गले की हड्डी बन गई है, वाइफ बनाने की तो सोच भी नहीं सकता। आज तक मुझे किस करने नहीं दिया उसने, तो काहे का प्यार?